बिहार में अगले 24 घंटे तक शुष्क रहेगा मौसम। पूर्वा हवा की वजह से ठंड नहीं बढ़ रही। बिहार में अगले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले एक दो दिनों में पूर्वा हवा की रफ्तार बढ़ने की संभावना है, जिसके कारण से ठंड में ज्यादा इजाफा देखने को नहीं मिलेगा। न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि और गिरावट दर्ज की जा सकती है। पूर्वा हवा के चलने के कारण मंगलवार को पटना सहित प्रदेश के अधिकतर जिलों के न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई। प्रदेश का सबसे ठंड शहर 12 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ रोहतास का डिहरी रहा है। जी हां, पटना के न्यूनतम तापमान में 1.9 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ 15.3 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं रोहतास के डिहरी और अरवल के कलेर में हल्की वर्षा हुई। वही आज 29 सितंबर को सिवान, सारण, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और गया जिले में कुछ स्थानों पर बारिश के आसार है। मौसम विभाग की आपको बता दें, माने तो अभी तक बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवर्ती परिसंचरण बन रहा है, या 30 नवंबर के बाद बदल जाएगा। इसी के चलते ही पूरे प्रदेश में पूर्व हवा का प्रभाव जारी रहेगा। जब तक प्रदेश में पूर्वा चलती रहेगी तब तक ठंड नहीं बढ़ेगी। जी हाँ, क्योंकि पूर्वा हवा गर्म समुद्री सतह से आती है, इतना ही नहीं या ठंड को आने से रोकती है। पटना में सुबह में धुंध रहने से विमानों का ऑपरेशन देर से हुआ। 12 विमान देर से आए। सबसे ज्यादा 2 घंटे 10 मिनट से बेंगलुरु से आया। इसके आने का समय सुबह 8:45 है, पर 9:52 पर आया है। सुबह में एयरपोर्ट के रनवे की विजिबिलिटी 800 मीटर थी। वही सुबह 7:55 पर कोलकाता से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 49 मिनट देर से सुबह 9:49 पर आई। मंगलवार को राज्य के विभिन्न जिलों में हल्की बारिश होने से हवा से 50% धूल कण गायब हो गए। इस वजह से वायु प्रदूषण कम हो गया। 5 दिन बाद राजधानी के लोग को जहरीली हवा से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि कुछ इलाके की स्थिति खराब रही। गांधी मैदान इलाके का AQI लेवल 336, दानापुर का 318 और एकोबार का 283, तारामंडल का 138 और पटना सिटी का 116 दर्ज किया गया है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर UKG के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।